दिस इज़ द टॉपिक वन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है, पहला इसके 7 प्रोस्टुलेट्स, दूसरा इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आ जाएगा इसमें लिमिटेशंस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस, जिसमें हम 5 अलग अलग लिमिटेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोस्टुलेट्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया किसने था? ये दिया था पॉलिंग्स ने इन द ईयर 1923, और इसके साथ उन्होंने 7 प्रोस्टुलेट्स दिए थे। पहला है, अकॉर्डिंग टू VBT देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ये प्रेजेंट होंगे सेंट्रल मेटल में, और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे दे विल एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। और नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल दैट एक्सेप्ट दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोस्टुलेट। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड है ओवरलैपिंग। अब जो लिगेंड है, इसमें जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल डोनेट इट टू द सेंट्रल मेटल एंड कॉस ओवरलैपिंग। यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ ML बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ दिस ओवरलैपिंग। ठीक है, तीसरे में आ जाते हैं, ये है सिग्मा ऑर्बिटल्स। और ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लिगेंड में। दिस सिग्मा ऑर्बिटल पोसेस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही जो है, ये डोनेट करता है हमारे मेटल को, यानी सेंट्रल मेटल को। सो सिग्मा ऑर्बिटल्स हम ये कह सकते हैं कि ईच एटम या फिर ईच मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड हैव एटलीस्ट 1 सिग्मा ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन डोनेशन। चौथा जाते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विथ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो हमें पता है कि ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये है लिगेंड का, और एम्प्टी ऑर्बिटल है ये मेटल का। दोनों के बीच जब ओवरलैपिंग होता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर्म्स द ML बॉन्ड
विच इज कंप्लीटली आयोनिक इन नेचर। फिर प्रोस्टलेट में आते हैं, पांचवा प्रोस्टलेट है, इट्स अबाउट आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वेन एवर इफ इनर डी ऑर्बिटल एन माइनस वन डी दैट इज थ्री डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग इट विल फॉर्म इनर डी ऑर्बिटल एंड वेन 4d और एन डी या आउटर डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग इट विल फॉर्म दी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया पांचवा। छठवा है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर। सो व्हेनेवर वीक लिगेंड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड इट डज नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है then it will cause pairing of electrons और इस pairing of electron की वजह से it will form a diamagnetic coordinate compound। सातवें में आ जाते हैं, सातवां जो prostellate है it is an exception जो Hund's रूल को डिसोबे करता है। इसके हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैन नॉट बी फॉलोड। सो ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को डिसओबे कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। देन वी विल डिस्कस द इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देयर एग्जाम्पल्स एज वेल एज वाई दे आर कॉल्ड लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज द सेकेंड वन दैट इज इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले बात कर लेते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन माइनस वन डी या फिर 3d ऑर्बिटल का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है उसके ऑर्बिटल्स को देखें तो वो फोर्थ ऑर्बिटल में होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर लो स्पिन यानी कि कम यानी एन माइनस वन डी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हम इसको लो स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल लेना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 d6 और अगर इनर है तो हमको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगन का इस्तेमाल होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से पेयरिंग होगा और जो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और d6
इसका एक एग्जांपल है, दैट इज़ CO कोबाल्ट NH3 6 3+। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना होगा। पहले तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये हो गया NH3। NH3 का जो है 0 होता है, X प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 3, यानी कि X इक्वल टू प्लस 3, यानी कि CO+3। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27, यानी कि 3D7 4S2, और कोबाल्ट 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे, यानी कि 3D6 4S0। इसका हम अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। तीन चार, एक दो और एक दो तीन चार, ये जो है ये 3, यहाँ पर 4 4 4, और यहाँ पे आ जाएगा DSPD। हमको अब इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो NH3 है इट इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट कस पेयरिंग, और जब पेयरिंग होगा तो उसकी वजह से जो कंडीशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक दो तीन चार, चार एक दो, पेयरिंग की वजह से वो इस कंडीशन में आ जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज क्लोज आ जाएंगे, और जो हमारा NH3 है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। D2SP3, ठीक है, और हम इसको कहेंगे D2SP3 कंडीशन, जो कि होता है ऑक्टाहेड्रल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। सेकंड, इट इज़ ऑफ कोर्स इनर डी ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड इट्स जियोमेट्री इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कंडीशन 2B। ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इनर डी जो है N-1 वो अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि जो 4D ऑर्बिटल है यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, जिसकी वजह से इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या फिर हाई स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है सबसे अच्छा D6 कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, और स्ट्रॉन्ग लिगन नहीं, यहाँ पर वीक लिगन होगा, तभी आउटर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा, वीक लिगन। तो इसमें देखते हैं, कोबाल्ट का ही एग्जांपल लेते हैं और एक वीक लिगन के साथ, यानी कि F6 3-। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा X-6 -3 इज इक्वल टू X -3 + 6 = +3, यानी कि CO+3। CO होता है 27,
यानी कि 3D7 4S2 और CO प्लस 3 जो है, यानी 3+ जो है वो हो जाएगा 3D6 4S0। ऑर्बिटल्स इसके कैसे बनेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और ये छठवा। क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो सीधा एस से शुरू हो जाएगा, एक दो, और ऑर्बिटल्स का नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा 3 4 4 4 D S P और D, ये हो गया ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो गया SP3D2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ज्योमेट्री जो है इसकी ऑक्टाहेड्रल, और ये है एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो है थर्ड पार्ट है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम पांच मेन लिमिटेशंस पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला आ जाता है कलर स्पेक्ट्रम। तो VBT में कलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। हमको पता है कलर क्यों आ जाता है, डी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होता है या इधर उधर जाता है, एक्साइट हो जाते हैं तो देर इज कलर, लेकिन VBT में कलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो VBT अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि कलर क्यों आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सेकंड है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नॉट एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है रिलेटिव स्टेबिलिटी। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगेंड, और उसमें भी अलग अलग एटम्स होते हैं। इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ मेटल, सेंट्रल जो मेटल है उसका एक्सप्लेन किया गया, बाकी एटम्स का, जैसे हमारे लिगेंड में ही एक दो एटम्स हो सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। थर्ड आते हैं, ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हालांकि VBT में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि या डायमैग्नेटिक है, लेकिन इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन और प्रोवाइडेड। चौथा आ जाएगा इसमें सेंट्रल मेटल। तो VBT में इट ओनली एम्फेसाइजेस या फिर फोकस ओनली ऑन सेंट्रल मेटल, और बाकी चीज़ों में ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया गया, ना उनके बारे में बताया गया। पांचवा आ जाएगा जो मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग है, डज नॉट एक्सप्लेन एनी
चेंजेस इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो ये हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला तो कलर स्पेक्ट्रम, फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर सेंट्रल मेटल, फिर जो मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग में देर इज डिफरेंस और चेंज इन स्ट्रेंथ, जो कि कई कंपाउंड्स में होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग किस में है। वीवीटी ने क्या अच्छा एक्सप्लेन किया है? तो इसने सक्सेसफुली दे दिया हमको जियोमेट्री, कि वो ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा, और उसमें भी आउटर हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये उसने अच्छे से बताया। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक सिंपल तरीके से कि वो पैरा होगा या डाई होगा। सो दैट इज़ फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।